नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम लेना चाहती है सरकार की नहीं, सरकार की ये बहुत बड़ी चाल है, क्या चाल है ये देखेंगे, सरकार ये भर्ती पूरी करेगी कि नहीं ये भी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपका जीएस कमज़ोर है और आप एक ऑथेंटिक मैटर चाहते हैं कि पॉलिटी में आपके जो 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन, जो मतलब मान के चलिए कि पूरा जीएस का कोर वही है, यदि आप उसको कवर करना चाहते हो और अभी भी आप बहुत जगह से पढ़े हो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो आपको मैंने बहुत मिनिमम प्राइस पे केवल 99 रुपये की, इसकी इससे नीचे प्राइस जो भी आपको मैं नोट्स दूंगा, जो भी वीडियोज़ दूंगा भाई, सब आपको उस लेवल के लगेंगे कि हाँ भाई ये 1000 रुपये का बैच बना है, ठीक है। और आज मैंने इसको 99 में किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नहीं ले पा रहे थे उतने का कोर्स, वो आप ये परचेस कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने परचेस भी किया है, उनको बेनिफिट भी है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वर्दी बैच है, 15 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा पॉलिटी, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो दिए जाएंगे और आपका सिलेबस उसी के, यानी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी होगी, ओके। ये नहीं कि मैं लूसेंट आपको छुपाऊंगा, लूसेंट नहीं, 3-4 बुकों का मटेरियल आपको दिया जाएगा जिससे आप आराम से कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहली बात, तो जो प्रश्न ये बच्चे मुझसे पूछ रहे बार बार और बहुत सारे जगह सोशल मीडिया पे भी ये सब बहुत वायरल है कि सरकार यूपीएससी का एग्ज़ाम लेना ही नहीं चाहती है, तो मैं आपको ये एकदम क्लियर कर दूं कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि ये डिसीज़न वो ले पाए कि लेना चाहती नहीं लेना चाहती, सरकार लेगी एग्ज़ाम। सबसे पहली बात, सरकार की सबसे बड़ी चाल है, कौन सी चाल है, इस चीज़ को हाँ समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, समझो। सरकार ये भर्ती पूरी नहीं कर रही, ये बात जो है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। सरकार ये भर्ती पूरी करेगी और ये इसकी मजबूरी है क्योंकि 3 साल से कोई भी, सॉरी 3 साल मैंने ज़्यादा कम बोल दिया, 5 साल से कोई भी दरोगा की भर्ती नहीं हुई है, 2016 में हुई थी, और उसमें भी ये हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि यदि कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट केवल 2-3 दिन में डिसीज़न दे देती है, और ये यूपीएसआई का केस है, पिछले 5 महीने से जजमेंट रुका हुआ है, जजमेंट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या स्थिति है, केवल ये स्टूडेंट के साथ ही ऐसा क्यों होता, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। प्रूफ के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे कि भर्ती क्या सच में ये एक बहुत बड़ी चाल है, इस बात को समझेंगे प्रूफ के साथ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। समझो कि आपको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आई, उसमें एज में छूट नहीं दी गई थी, ठीक है, और फॉर्म भरवाने शुरू किए गए थे, फॉर्म 1 अप्रैल से भरे जा रहे थे, ठीक है, सॉरी 1 मई से फॉर्म भरे जा रहे थे, 1 मई से 30 मई, हाँ 1 मई से फॉर्म भरे जा रहे थे, और लगातार फॉर्म भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे, और काफ़ी दिन तक लगभग उन्होंने फॉर्म भरवाए, ठीक है। मैं यदि मान लो डेट ऑफ कहीं मिस्टेक करूँ तो माफ़ करिएगा, 15 जून तक ये फॉर्म अभी भरे जाने हैं, ठीक है, और आशंका है कि ये डेट अभी बढ़ेगी, उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। सरकार ने पहली बात तो इतनी डेटें बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, रीज़न क्या है पता नहीं, है नहीं, बहुत सारे उन्होंने सिचुएशन बताई, मगर भाई ठीक है, जिसने जिसको भरना तो भर लिया, जिसको नहीं भरना तो नहीं भरेगा, है नहीं, ज़बरदस्ती थोड़े भरवाओगे, पर बहुत लोगों ने अभी भी फॉर्म भरे। चलिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है ओवर एज का, अब ये कहेंगे ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस पूरी भर्ती को फंसा सकता है, ये एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक ऐसा केवल इकलौता मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन इस बार कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि सरकार ने उस फॉर्मूले को अच्छे से नोटिस में आइडेंटिफाई कर दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा ओवर एज, क्यों मुद्दा बनेगा ये मैं समझाता हूँ भाई। देखिए आपको पता है कि इस पूरे स्टेट में बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं और एज जो है वो 28 साल रखी गई जनरल के लिए, और अभी जो ऑर्डर आया है वो आया है कि 1 जनवरी 2018 के बाद वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 18, 19, 20 और 21, यानी 3 साल का तो उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है किसको, याची लाभ को। अब ये बात आप समझिए कि उस याची लाभ में जिसमें ये डिसीज़न आया उसमें 127-27 के आसपास सुशील कुमार केस के 127 बच्चे हैं, तो उनको फॉर्म भरवाया जाएगा और डेट भी आ गई है कि वो 10-11-12 को वो फॉर्म भर सकते हैं भर्ती बोर्ड से, ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, ठीक। अब इससे भविष्य क्या दिख रहा है, इससे ये भविष्य दिख रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को भी अचानक वो उठा जागा
यार हमको भी दरोगा बनना है, एज तो हमारी निकल गई। अच्छा ये होता है, अच्छा याचिल आप, अच्छा ठीक भाई साहब। उठे चार पांच लौंडे इकट्ठा हुए, मुंह धुलिन और जा करके एक रीट डाल दिन। रीट डालिन तो भर्ती बोर्ड फिर इसका फॉर्म भरवाएगा। फिर मतलब 10-12 दिन 20 दिन बाद फिर एक ग्रुप उठा, फिर उसने मुंह धुला, अच्छा हमको नहीं मिला, हम भी जा रहे कोर्ट, उन्होंने डाल दिया। ये प्रोसीजर ऐसा लचीला है कि इसमें सालों बीत सकते हैं भाई साहब, यदि सरकार अवेयर नहीं हुई, गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने थोड़ा सा मतलब नहीं देखा, तो इसमें इस भर्ती को सालों लग सकते हैं। तो कौ साल 1.5 साल कोई भी व्यक्ति याची लाभ, तो याची लाभ भाई, फॉर्म भर गए उससे कोई मतलब थोड़ी, सरकार तो इसका एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पाएगी। और वो फॉर्म जो जो पहुँचेगा हाई कोर्ट, वो उनको ऑर्डर वही देगी कि हाँ भाई जाओ, अच्छा जाओ, अच्छा जाओ, अच्छा भैया ठीक है तुमको भी देंगे। इस तरह से भर्ती लटक सकती, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सीधा सा है, जनरल ऑर्डर। यदि जनरल ऑर्डर आ जाता है तो इसमें बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है जब आपने 2018 से एज रिलैक्सेशन दे दिया है तो भाई याचिला आपको दे दिया तो जनरल ऑर्डर भी दे दो यार, क्यों फालतू में भर्ती फंसा रहे हो आप, ठीक है। और ये भर्ती फंसने का सबसे बड़ा कारण है, पर ये केवल एक संभावना है, ये केवल पॉसिबिलिटी है। शायद ये पॉसिबिलिटी आगे ना ही बने तो, है नहीं, शायद आगे कोई रीट ना पड़े तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब आपकी भर्ती फंस ही जाएगी। इसलिए सरकार भर्ती को लेने में पूरी तरह से तत्पर है, सरकार पूरी भर्ती लेगी, ये एकदम निश्चिंत डैम श्योर है। फिर उसके लिए वो कोई भी बीच का रास्ता निकाले वो उनकी हडक रहेगी, ठीक है। इसलिए भाई साहब आप समझो कि आप अपनी तैयारी को एक लेवल पे ले जाओ और ये जो चाल वाल है इसके चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं ये चाल है, ये वो है, सरकार एग्ज़ाम नहीं लेगी, सरकार दिसंबर दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम लेगी, ये लेगी वो लेगी। भाई साहब देखो कोविड नॉर्मल है, सारी चीज़ें सिचुएशन नॉर्मल है, फिर से बोल रहा हूँ एग्ज़ाम वही टाइम शेड्यूल पे होगा जो मैंने पहले बता रखा है, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना, बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा। नहीं यही कहेंगे तुम बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हो, ठीक है। तो ये सारा एक पूरा मैटर था, सरकार यूपीएसआई का एग्ज़ाम लेगी, फिर मैं कह रहा हूँ बस एक जो पेज फंस रहा है वो ओवर एज का पेज फंस रहा है, यदि वो क्लियर हो जाता तो बढ़िया है। यदि आप बोलेंगे तो उस पर ही मैं ओवर एज पर, मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई है जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या फिर जो उसके यानी उस रीट से जुड़े हुए हैं, तो उसके अवज में मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन। यदि आप बोलेंगे तो मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बना सकता हूँ, बाकी आपके लिए इतना पर्याप्त है। आप तैयारी वारी करते रहिए और इस चाल में इस भ्रम में ना फंसिए कि मैटर बढ़ सकता है, शायद मैटर ना बढ़े, ठीक है, और मुद्दा कोई यहीं पर ही ख़त्म हो जाए और सरकार इस मुद्दे को हैंडल कर ले। पर यदि सरकार हैंडल करना चाहती तो सरकार पहले ही ये नोटिस में निकाल देती कि हाँ भैया इतने लोगों को छूट देंगे। क्या मनसा है ये कोई नहीं जानता, सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है और मैं चाहता हूँ आगे जाकर के आप भी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो आप अपना काम करते रहें, यानी पढ़ते रहें, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो वहीं रुके रहेंगे, वो ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी यूपीएससी की। और जाहिर सी बात है कुछ भी हो जाए भाई एग्ज़ाम तो लेगी लेगी और भर्ती तो होनी होनी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 1% का भी चांस नहीं है कि भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। यदि ये जो सोच रहे हैं भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, ये निरा मूर्खता है और इस मूर्खता को करने वाले आप ही नहीं हैं, लाखों लोग हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो केवल 9,500 का होने वाला है। इस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच।